नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर बाराबंकी से। पेंशनर दिवस पर 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेंशनर्स को माला पहनाकर शॉल भेंट करके सम्मानित किया गया। पेंशनर दिवस पर सेवानिवृत्त कर्मियों ने अपने अपने सुझाव भी रखे व सूत्रीय मांगों को भी प्रस्तुत किया। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित प्रकरणों को तत्काल निस्तारण करने का निर्णय भी लिया गया। पेंशनर दिवस कलेक्ट्रेट स्थित DRDA गांधी सभागार में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पेंशनर्स दिवस पर 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पेंशनर्स में रामचंद्र निगम, श्रीराम जायसवाल, श्रीराम श्रीवास्तव, बीरेश वर्मा, घिरराव लाल, हीरा लाल, सैयद शेख अली अख्तर, छोटे लाल रावत को माला पहनाकर व शॉल भेंट कर पुलिस अधीक्षक व अपर जिला अधिकारी संदीप कुमार गुप्ता द्वारा सम्मानित किया गया। उपस्थित सभी पेंशनर्स ने कहा कि पेंशनर्स कोषागार के कार्यों से संतुष्ट हैं। कोषागार के अधिकारी व कर्मचारी पेंशनर्स की समस्याओं को समझते हुए सहयोग करते हैं। पुलिस अधीक्षक ने वरिष्ठ नागरिकों को साइबर अपराधों के संबंध में जागरूक किया। बाबूलाल वर्मा अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा बताया गया कि पेंशनरों की सभी शिकायतों का निस्तारण नियमित बैठकें आयोजित करके कर लिया जाएगा, ताकि पेंशनर दिवस के दिन किसी भी पेंशनर्स की कोई भी शिकायत लंबित न रहे। पेंशनर दिवस को हम सब मिलकर उत्सव दिवस के रूप में मना सके। इस दौरान वरिष्ठ कोषा अधिकारी मनोज कुमार तिवारी, बाबूलाल वर्मा अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, रूप नारायण वैश्वार अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रदेशीय सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षण कल्याण परिषद, अपर जिला सूचना अधिकारी आरती वर्मा, प्रमोद कुमार सिंह, हेमंत कुमार श्रीवास्तव, हिमांशु कुमार श्रीवास्तव, संतोष कुमार सागर, सुनील कुमार सिंह, शिव कुमार, लक्ष्मी प्रसाद, नीलम प्रभा, सुरभि गुप्ता, अरुंधति वर्मा सहित पेंशनर्स मौजूद रहे। बाराबंकी संवाददाता मोहम्मद जुबेर की रिपोर्ट।